हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू द एटीपी स्टार। आज फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में यहाँ, आज पंप द हर्ट। आज हम ह्यूमन हर्ट के बारे में बात करने वाले हैं, किस तरीके से ये ब्लड पंप करता है इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। बहुत कम समय में काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको ये मिलेगा, तो लेट्स सी। ये है हमारा ह्यूमन हर्ट, इस तरीके का हमारा ह्यूमन हर्ट कुछ दिखता है। ये बहुत मॉस्कुलर होता है, कार्डियक मसल्स का बना हुआ है हमारा ह्यूमन हर्ट। बेसिकली इसमें चार चैम्बर होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चार चैम्बर है, एक राइट एट्रियम, एक लेफ्ट एट्रियम, एक राइट वेंट्रिकल और एक लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारा राइट पोर्शन होता है वो पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से रिलेटेड है, और जो लेफ्ट पोर्शन है उसमें सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। अब इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, ये कैसे काम करता है? अच्छा, उससे पहले हम फंक्शनिंग समझे, उससे पहले इन दोनों ही पोर्शन को, लेफ्ट और राइट पोर्शन को सेपरेट करने के लिए बीच में एक सेप्टम होता है जिसे हम सेपरेटिंग वॉल भी बोलते हैं। इस सेप्टम को हम सेपरेटिंग वॉल भी बोलते हैं। अब देखते हैं ये किस तरीके से फंक्शन करता है हमारा हार्ट, किस तरीके से ये काम करता है। तो हम जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट होकर के वीना केवा के थ्रू, अपर वीना केवा और लोअर वेना केवा के थ्रू कहां आएगा, राइट एट्रियम के अंदर आ जाता है। जब राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ रहा होता है तो राइट एट्रियम जो है उनमें रिलैक्सेशन चल रहा होता है, वो रिलैक्स हो रहे होते हैं। जैसे ही एट्रियम फुल हो जाता है, जैसे ही एट्रियम में ब्लड फिल हो जाता है, उसके बाद एट्रियम से ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। जब ये राइट वेंट्रिकल में आता है तो राइट वेंट्रिकल एट्रियम, राइट एट्रियम तो कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर देता है और राइट वेंट्रिकल जो होता है वो रिलैक्स होने लग जाता है। ठीक, फिर राइट वेंट्रिकल खुद को कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करके इस ब्लड को, इस इम्प्योर ब्लड को या इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में डाल देता है। पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू रेस्पेक्टिव लंग्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है, वहां पर इस ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है और ऑक्सीजनेशन होने के बाद ये ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस हार्ट के पास आता है। अब ये पल्मोनरी वेन के थ्रू जब हार्ट के पास आएगा तो ये आएगा लेफ्ट एट्रियम में। जब लेफ्ट एट्रियम फुल फिल हो रहा होता है ब्लड से तो ये रिलैक्स होता है, और जैसे ही ये फिल हो जाता है उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के उस ब्लड को, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में डाल देगा। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ब्लड फिल हो रहा होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होता है। उसके बाद जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल फुल होता है, ब्लड से फिल अप हो जाता है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करके उस ब्लड को एओर्टा में डाल देता है। एओर्टा के थ्रू, एओर्टा की डिफरेंट ब्रांचेस के थ्रू ये ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई होता है, अलग अलग ऑर्गन्स को, अलग अलग सेल्स को ये ब्लड, ये प्योर ब्लड यहां से एओर्टा के थ्रू, एओर्टा की ब्रांचेस के थ्रू पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस तरीके से अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा भाई, ऑर्गन्स के पास जाएगा, टिश्यूज और सेल्स के पास जाएगा। वहां पर फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, जो सेल्स हैं वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डाल देंगे और ब्लड से ऑक्सीजन ले लेंगे। फिर वो जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से सारी की सारी वेन्स कलेक्ट करेंगी, वेन्स उस ब्लड को वापस से वेना केवा के थ्रू कहां डाल देंगी, राइट एट्रियम में। इस तरीके से ये सर्कुलेशन कंटिन्यू चलता रहता है, इस तरीके से ये हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप करने का काम करता रहता है। इसी वजह से हम ब्लड को पंपिंग स्टेशन भी बोलते हैं। अब एक और इंफॉर्मेशन, ये जो हमने सीखा कि लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये बारी बारी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब लेफ्ट और राइट एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, मतलब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। जब दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो रेस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स में ब्लड जाएगा, मतलब जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी में, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड जा रहा है एओर्टा में। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो हमें याद रखने की जरूरत होती है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा हमारा जो पंपिंग सिस्टम है अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ह्यूमन हार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू।